Hello everyone, welcome or welcome back to Erudite Political. My name is Udbasra Sheikh, and in case you are new to this channel, then please do subscribe to Erudite Political. So in this video, we will be discussing a topic from Unit 9, that is public administration, from the syllabus of UGC NET Political Science. Now, this topic is that is managing conflict in the organization. Uh, that is the theory of Mary Parker Follett. सो so, इसमें हम डिस्कस करेंगे मैरी पार्कर फॉलेट और उनकी थ्योरीज वेरियस थ्योरीज सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैरी पार्कर फॉलेट के आइडियाज हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे उनकी थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन हर थ्योरी ऑफ गिविंग ऑफ ऑर्डर्स एंड हर थ्योरी ऑफ न्यू कंसेप्ट ऑफ पावर सो जो मैरी पार्कर फॉलेट थी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक थ्योरिस्ट थी और उन्होंने क्लासिकल अप्रोच एंडहेवियल ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू ब्रिज बिल्ड किया था दैट वॉज बिटवीन दीज टू अप्रोचेस ठीक है उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोशल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सोशल प्रोसेस की तरह व्यू किया जो चीज कंटेम्प्रेरी थ्योरिज में पॉपुलर नहीं थी एंड मेरी पार्कर फॉलेट वॉज द वन जिन्होंने पहली बार सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की थी उनको हाईलाइट किया और इसी वजह से मेरी पार्कर फॉलेट को प्री और फोर रनर ऑफ द बिहेवियर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन एनालिस भी कहा जाता है फर्दर मैरी पार्कर फॉलेट ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रिटिसाइज किया था क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच बहुत मैकेनिकल थी फर्दर लेट डिस्कस उनके जो मेजर वर्क है सो so, फर्स्ट उनका जो मेजर वर्क था दैट वॉज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट वॉज रिटन इन एटीन नाइनटी सिक्स देन सेकेंड पॉपुलर वर्क वॉज द न्यू स्टेट जो उन्होंने नाइनटीन ट्वेंटी में लिखी थी देन द थर्ड पॉपुलर वर्क वॉज क्रिएटिव एक्सपीरियंस दैट वॉज रिटन इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर and the fourth popular work was dynamic administration that was written in 1941 so basically ek direct question bhi put up ho sakta hai exam mein inki books se related because books or theorists ke questions bahut um, zyada nta puchta hai comparatively aapko ye last year paper se agar aapne padha hoga so आप ये easily identify कर सकते हो so these books are important to keep in mind moving ahead with her theory of conflict and integration देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉलेट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ एक नई चीज नहीं है या फिर वो कुछ ऐसी इनेविटेबल चीज नहीं हो सकती कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो ही ना क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंट माइंड या डिफरेंट परस्पेक्टिव के लोग काम करते हैं और जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत नेचुरल चीज है एंड इट इज नॉट इनएविटेबल सो so, कॉन्फ्लिक्ट को हमें कोई वॉरफेयर या फिर कुछ हट के एज अ समथिंग न्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें इसे कंसीव करना चाहिए कि एक वेस्टफुल या हार्मफुल चीज नहीं है बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस देयरफॉर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में प्रोसीड uh, करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू फॉलेट सो देखिए फॉलेट ने इसीलिए कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था अब ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है देखिए कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है एक पॉजिटिव अप्रोच है टू द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो अब जब ये रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉजिटिव अप्रोच है तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए तीन तरीके बताए अब वो तीन वेज क्या थे ये तीन वेज थे डोमिनेशन कॉम्प्रोमाइज और इंटीग्रेशन देखिए डोमिनेशन में ये होता है कि जो दो साइड दो पार्टीज़ मान लो या दो साइड मान लो उनमें से एक की जीत होती है क्योंकि जो दूसरी साइड है वो लूज हो जाती है क्योंकि एक, एक जो पार्टी होती है वो ज्यादा पावर में होती है और उसका डोमिनेशन ज्यादा होता है या तो वो सुपीरियर अथॉरिटी होती है और जो दूसरी होती है या तो वो इन्फीरियर अथॉरिटी होती है टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन सो द सेकंड वे है वो है कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज में ये होता है कि जो दोनों साइड्स होती हैं दोनों पार्टीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा पार्ट सरेंडर कर देती हैं ऑफ वॉट दे वॉन्ट एंड एंड एट कॉमन ग्राउंड निकाल देती हैं एज अ वे नाउ द थर्ड वे इज इंटीग्रेशन देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक नया सोल्यूशन निकालती हैं जिससे जो दोनों पार्टीज की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हों और किसी भी साइड को सेक्रीफाइस ना करना पड़े एंड अकॉर्डिंग टू फॉलेट ऑफ दीज थ्री वे थर्ड वे है दैट इज इंटीग्रेशन वो बेस्ट वे है कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट करने के लिए क्योंकि इसकी बहुत सारी मेरिट है मेरिट्स ये है की ये रिजोल्व कर देता है सारा जो कॉन्फ्लिक है उसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल क्यूँकी बेसिकली ये जो प्रॉब्लम की रूट है उसकी तहत तक जाता है प्रॉब्लम की सो so, कॉन्फ्लिक्ट को वो रूट से एकदम डिस्कार्ड कर देता है सेकंड है की इट मेक्स यू बेटर यूज ऑफ टेक्निक्स एंड यू नो इट सेव टाइम्स एंड रिसोर्सेस थर्ड वे जो है वो है दैट इट लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ न्यू वैल्यूज एंड डेवलप्स अ न्यू सिचुएशन सो ये तो हो गया कंसेप्ट जो कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन का था मतलब उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटीग्रेशन का जो वे है दैट इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट अब हम मूव ऑफ करते हैं उनकी सेकंड कंसेप्ट पे दैट इज गिविंग ऑफ ऑर्डर्स सो बेसिकली मैरी पार्कर फॉलेट ने uh, चार तरीके बताए थे या वी कैन से फोर स्टेप्स ऑफ गिविंग ऑफ ऑर्डर्स अब ये फोर स्टेप्स क्या थे पहला स्टेप था अ कॉन्शियस एटीट्यूड सेकंड वॉज अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड थर्ड वॉज अ एन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड एंड फोर्थ इज अ रिजल्ट एटीट्यूड देखिए फर्स्ट इज अ कॉन्शियस एटीट्यूड दैट इज टू नो द डिफरेंट पीपल्स विच अंडरलाइन गिविंग ऑर्डर राइट सेकेंड इज अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दैट इज टू आइडेंटिफाई दोज प्रिंसिपल्स विच शुड बिकम द बेसिस ऑफ गिविंग ऑर्डर्स And talking about the third one, that is an experimental attitude, that is to make experiments to analyze the success or failure of orders. And fourth one is a result attitude, that is to pool the results of change to, um, to the extent and manner of giving of orders if the existing methods are found insufficient. And further, according to Follett, giving of orders is a very simple procedure, and I have never koi bossed over. Nahi hona डोमिनेंट अथॉरिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में बट इट डज नॉट मीन कि आप एकदम बॉसिज्म दिखाएं अपने सब के ऊपर राधर आपको लर्न करनी चाहिए टेक्निक्स ऑफ मैनुपलेन अकॉर्डिंग टू फॉलो इट क्योंकि अगर आप मैनुपलेट करके ऑर्डर देंगे मतलब आप ऐसी टेक्निक्स यूज करें कि जो आपका सब है वो आपसे क्वेश्चन भी ना करे एंड विदाउट क्वेश्चनिंग वो आपके ऑर्डर्स को ले ले सो so, जब वो आपको बिना क्वेश्चनिंग आपके ऑर्डर्स को लेगा देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल क्योंकि उसको वो ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द न्यू कंसेप्ट ऑफ पावर सो अकॉर्डिंग टू फॉलेट जो पावर है एबिलिटी टू मेक थिंग्स एजेंट एंड फॉलेट वॉज द वन जिन्होंने पावर ओवर और पावर विथ के कंसेप्ट के बीच में डिस्टिंग्विश किया देखिए पावर ओवर जो है ना वो लेस एडवांटेजियस है देन पावर विद क्योंकि जो पावर ओवर है अन अडर टू डू वंस विल सो जब हम फोर्स करेंगे तो वो लीड करता है रिजेंटमेंट को और इससे कुछ रिएक्शन भी आ सकता है बुरा सो so, ये जो फीलिंग है रिजेंटमेंट uh, की दैट लीड्स टू रिजेंटमेंट एंड रिएक्शन इसको रिड्यूस करने के लिए हमें पावर ओवर का जो कंसेप्ट है उसे रिड्यूस करना चाहिए और इसके जो तरीके हैं वो ये है फर्स्टली दैट वी शुड मेक द यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड द करेक्ट यूज ऑफ सर्कुलर बिहेवियर एंड द यूज ऑफ द लॉ ऑफ दिचुएशन देखिए अकॉर्डिंग टू फॉलेट जो सुपीरियर अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में उसे अपनी पावर शेयर नहीं करनी है अपने इमीडिएट सबिनेट से पर हां ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो अपनी ही अथॉरिटी में अपनी अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सके अपनी पावर्स को डेवलप कर सके फर्दर फॉलेट के अकॉर्डिंग जो पावर विद है दैट इज मोर एडवांटेजियस देन पावर ओवर क्योंकि देखिए जो पावर विद है वो एक सेल्फ डेवलपिंग एंटिटी है और मतलब ये बेसिकली कोऑपरेटिव है एंड इट इंकरेजेस कोपरेटिव एफर्ट प्रमोट सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस सो जब कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल वर्क होता है टॉकिंग अबाउट पावर ओवर सो पावर ओवर इज एन इंडिपेंडेंट पावर विच इज यूज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप यूजिंग इट अब टॉकिंग अबाउट पावर विथ सो जो पावर विथ है उसे ज्वाइंट पावर भी कहते हैं क्योंकि जब दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप अपनी पावर को पूल करते हैं टू अराइव एट अ सेटलमेंट सेटिस्फेक्टरी टू बोथ सो इन दिस केस पावर ओवर इज अ कोर्सिव पावर वाइल पावर विद इज ज्वाइंटली डेवलप्ड को एक्टिव पावर सो फॉलेट ने अकॉर्डिंग टू फॉलेट पावर विद को रिप्लेस करना चाहिए पावर ओवर को सो दीज आर थ्री कंसेप्ट ऑफ एमपी फॉलेट डेट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो एंड वी होप दैट यू लाइक आर वीडियो सो डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल